उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से खबर सामने आई है, जहां कौच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस के नजदीक घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। इस घटना को जब स्थानीय लोगों ने देखा, तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे लोगों ने बाहर निकाला तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और उन्होंने कौच नदी गांव रोड पर मार्ग बाधित कर दिया। बताया गया है कि शाम के समय नया पटेल नगर कर रहने वाला 6 वर्षीय मासूम बच्चा मयंक सविता पुत्र भरत सविता घर के बाहर खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते वह घर के नजदीक बने खुले नाले में जा गिरा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जब उसके परिजनों को मयंक बड़ी देर तक दिखाई नहीं दिया तो उसे परिजनों के द्वारा खोजने का प्रयास भी किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने नाले की तरफ नजर डाली तो मृतक मयंक की चप्पल तैरते हुए दिखाई दी। उससे मालूम चला कि मयंक उसमें पड़ा हुआ है। परिजनों व लोगों ने मयंक को नाले से निकालने का प्रयास किया, मयंक को बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कौच नदी गांव मार्ग पर जाम लगा दिया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित कुमार। क्या नाम भैया? अंकित कुमार। अंकित, ये जो घटना हुई बच्चे के साथ, क्या है पूरा मामला? बच्चे के साथ ये घटना हुई कि एक तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है, बच्चे के घर के बाहर नाला जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पे काम चल रहा है, तो वो उसमें पानी भर गया है और काफ़ी दिनों से वो ऐसा ही पड़ा है। तो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, धोखे से ये बच्चा चला गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया माता पिता ने, और ये काफ़ी टाइम तक ये उसमें पड़ा रहा। इस कारण से ये नाला कब से खुदा डला है अंकित भाई? इनको करीब करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीने। 3 महीने से? हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका या ठेकेदारों की लापरवाही नहीं देखने को मिल रही? नगर पालिका, ठेकेदार, प्रशासन, इनकी पूरी लापरवाही है। वहाँ पे करीब करीब 4-5 साल से बुरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इसकी शिकायत प्रशासन के हर अधिकारी को की गई, लेकिन आज तक ना तो वहाँ पे कोई अधिकारी पहुँचा, ना वहाँ पे कोई आज तक कोई नेता पहुँचा। ये घटनाएं होती हैं, इस तरीके की घटनाएं। ये आज जो वो आज हृदय बदारी घटना हुई, मासूम बच्चे ने इस नाले में अपनी जान खोई है, आप लोगों ने ये प्रदर्शन करके कौच नदी गांव मार्ग संपर्क मार्ग जाम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहें कि सर देखो, ये गरीब आदमी है, इनके बच्चे गए और ही बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर प्रशासन इस पर इसी तरीके से मौन रहा तो ये घटनाएं बराबर होती रहेंगी। हमारी मांग ये है कि उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ मानवीयता बरती जाए, उनके साथ जो भी सहयोग। ऐसे गरीब परिवार की क्या आप आशा प्रशासन से और सरकार से क्या आशा रखते हैं? प्रशासन से हम यही आशा रखते हैं कि इनके परिवार की, इनके परिवार की जो भी डिमांड है वो प्रशासन सुने और उस पर कायदे से काम करें। गुरु मैम, नाले में गिर के एक मासूम बच्चे की मौत हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? यहाँ नगर में एक नाली खुदी हुई नाली थी, इसमें कुछ पानी भर गया था, उसमें बच्चे के गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है, और जिसके वजह से कुछ लोग जिनको आक्रोश था वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी और ठेकेदार पे कार्रवाई करने के लिए कहा। उच्च अधिकारियों से कन्वर्सेशन करने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR लॉन्च किया जाएगा ठेकेदार के अगेंस्ट, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आगे इस घटना में जो भी मदद हो पाएगी प्रशासन की तरफ से होती जाएगी, और डी मैम से भी बात हो गई है, जो भी सहयोग हो पाएगा लीगली वो किया जाएगा। हमारी पूरी सिंपथी है फैमिली के साथ, और हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना। ओके मैम, एक मासूम बच्चे की पानी में डूबने से मौत, क्या पूरा मामला है सर? मामला ऐसा बताया जा रहा है कि वो पानी कोई एक ठेकेदार है जी, के माध्यम से खुदाई की जा रही है, पानी भरा हुआ है उसकी, उसमें डूब करके बच्चे की मौत। हालांकि प्रगाम की और पत्रावली में लिखवा करके इसमें है जांच कराते हैं और कार्रवाई करते हैं। सर, एक मासूम गरीब मासूम बच्चे ने अपनी जान खोई है, उसके परिजन बहुत दयनीय स्थिति में हैं सर, और रो रहे हैं, बार जाम लगाए, जाम लगाया सर, तो क्या कहेंगे? अब हम तो अनुरोध यही करेंगे कि लोग जाम खोल। तो सर, किन मांगों को लेकर ये लोग, किन मांगों को लेकर सर जाम लगाए हैं ये लोग? ये इनकी मांग है कि ये जो है नाला जो है जल्दी पूर्ण कराया जाए और आपको आर्थिक सहयोग किया जाए। सर, तो आपके माध्यम से इस मासूम बच्चे के परिजनों को कुछ सहयोग? अब देखते हैं, हम देखते हैं क्या आर्थिक सहायता को